नमस्कार दोस्तों, इंडिया ए और इंग्लैंड लायंस के बीच खेली जा रही 5 मैचों की वनडे सीरीज के चौथे मैच में इंडिया ए की टीम ने 6 विकेट से जीत हासिल कर ली है। इसके साथ इंडिया ए ने 5 मैचों की सीरीज में 4-0 से बढ़त बना ली है। चौथे मैच में ऋषभ पंत इंडिया ए के साथ जुड़े थे और उन्होंने आते ही तबाही मचा दी। 222 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंडिया ए की ओर से पंत 5वें नंबर पर बैटिंग करने आए। वो 76 गेंदों में 73 रन बनाकर नाबाद रहे। इस दौरान उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के लगाए। मैच में पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड लायंस ने 8 विकेट पर 222 का स्कोर बनाया। इस दौरान ओली पोप ने सबसे ज्यादा 65 और स्टीवन मुलानी ने 58 रन बनाए। उनके अलावा अन्य कोई बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका। भारत की ओर से शार्दुल ठाकुर ने सबसे ज्यादा 49 रन देकर 4 विकेट झटके। राहुल चाहर ने 38 रन देकर 2 विकेट और अवेश खान ने 21 रन देकर 1 विकेट झटका। जवाब में 222 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत खराब रही और पहला विकेट 8 रन पर गिर गया। इसके बाद केएल राहुल और रिकी भुई ने दूसरे विकेट के लिए 59 रन जोड़े, लेकिन तभी भुई 35 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद राहुल ने फिर से साझेदारी बनाने की कोशिश की, लेकिन विल जैक्स ने एक के बाद एक 2 विकेट झटकते हुए टीम इंडिया के 102 रन पर 4 विकेट गिरा दिए। राहुल किसी टेस्ट मैच के बल्लेबाज की तरह खेलते नजर आए और 77 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हुए। बढ़िया शुरुआत मिलने के बाद भी केएल राहुल रन नहीं बना पाए। उन्होंने 54 के स्ट्राइक रेट से 77 गेंदों में 42 रन बनाए। 4 विकेट गिरने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब शायद ही भारतीय टीम वापसी कर पाए। ऐसे खराब समय में ऋषभ पंत ने बागडोर संभाली और दीपक हुडा के साथ 5वें विकेट के लिए 118 रन की साझेदारी निभाते हुए इंडिया ए को 6 विकेट से जीत दिलवा दी। ऋषभ पंत ने 76 गेंदों पर शानदार 73 रनों की पारी खेली। वहीं दीपक हुडा 47 गेंदों में 47 रन बनाकर नाबाद रहे। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि ऋषभ पंत वर्ल्ड कप खेले तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमें कमेंट करके भी बताइए। और क्रिकेट जगत की हर ताजा खबर के लिए सब्सक्राइब करें क्रिक 7 यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।